QR कोड करते हैं स्कैन। बस जालसाजों ने यही नया तरीका निकाला है साइबर ठगी का। QR कोड स्कैन कराकर ठगों ने जनता को लाखों का चूना लगाना आरंभ किया है। आए दिन साइबर फ्रॉड निकालते हैं नया तरीका, अब QR कोड वाले प्लान का कर रहे हैं इस्तेमाल। OLX से खरीद बिक्री में एक महिला को QR कोड स्कैन कराकर स्कैम का हिस्सा बना लिया गया। बीते दिनों साइबर जालसाजों ने पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में चिप के इस्तेमाल से मोबाइल फोन्स में मैलवेयर प्रवेश कराकर ठगी का तरीका इजाद किया था, जिसके बाद खुद ओडिशा राज्य की पुलिस ने जनता को अलर्ट किया था। ये कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि आए दिन ठगी करने वाला गिरोह नए पैतरे से जनता को फंसाना चाहता है। खबर देखा होगा अपने हाल में, कैसे सेक्सटॉर्शन से महिलाएं और पुरुषों को निशाने पर लिया जा रहा था। राजस्थान का एक पूरा गांव इसका आरोपी पाया गया था। ठग वीडियो कॉल का सहारा लेकर अश्लीलता को हथियार बना रहे थे। वहीं अब OLX जैसे बड़े ब्रांड के नाम पर ठग ने महिला के खाते से बड़ी रकम उड़ा ली है। महिला ने अपने कुछ सामानों को बेचने के लिए OLX पर एड डाला था, जिसके लिए महिला को पैसे मिलते, परंतु यहां उल्टा ही हो गया। उन्हें धोखे में लेकर उनके ही खाते से रुपये गायब हो गए, जिसके बाद महिला थाने पहुंची। दरअसल महिला ने OLX पर कुछ सामानों को बेचने के लिए इश्तेहार डाला। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें, OLX पुराने सामानों को बेचने और खरीदने के लिए प्रसिद्ध माध्यम है। यहाँ कम दामों पर पुराने सामान खरीदे जा सकते हैं और कम इस्तेमाल वाले चीजों के लिए यहाँ से ग्राहक भी मिल जाते हैं। महिला ने अपने कुछ कम इस्तेमाल में आने वाले सामानों के लिए प्राइस लिस्ट तय कर OLX पर इश्तेहार डाला। उन्हें कुछ ही समय में ग्राहक मिल गया। ग्राहक को सामान पसंद था, उसने कोई मोल भाव किए बिना सामान खरीदने की इच्छा जताई। महिला भी तैयार हो गई। दोनों के बीच बातचीत के बाद डील फाइनल हुई। सामने वाले खरीदार ने दाम चुकाने के लिए महिला को फोन पे या गूगल पे का पूछा। महिला ने हामी भरी। इन दोनों माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन संभव होता है। QR कोड स्कैन कराकर UPI ID या फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। खरीदार ने एक QR कोड महिला को WhatsApp पर सेंड किया। उनसे कहा, आप कोड स्कैन करो, फिर UPI पिन डाल देना, पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। महिला ने ऐसा किया, QR कोड स्कैन कर UPI पिन डाल दिया। बस यही हुई महिला से बड़ी गलती, जिस गलती का नतीजा हुआ महिला के खाते से पैसे कटने शुरू हो गए। असल में खरीदार को सामान खरीदना ही नहीं था, उसे ठग कर पैसे निकलवाने थे, जो कि महिला के UPI पिन डालते ही कर गया। खाते से पैसे कटने के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत की है। QR कोड स्कैन कराकर ठग ने फोन का कंट्रोल लिया, फिर उसे UPI पिन भी मालूम हो गया, जिससे उसने महिला के खाते को खाली कर दिया। साइबर फ्रॉड ने अब QR कोड स्कैम का ये नया तरीका खोजा है। आप भी इससे सावधान रहिए। इस महिला की तरह गलती मत कीजिए। इन्हें पैसे भेजे जाने थे, यानी सामने वाला QR कोड स्कैन करता, महिला को अपने फोन नंबर को सेंड कर या UPI ID भेज कर पैसा मंगवाना था। उन्हें खुद इस स्कैन की जरूरत नहीं थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सुविधाओं का इस्तेमाल कीजिए, मगर जागरूक होकर। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज़।